अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके, इन्होंने हमारे लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं अभी रिसेंटली ओलंपिक से आया, कल पहुँचा था कश्मीर। तो आज यहाँ प्रोग्राम देखे, बड़ी खुशी है कि इस तरह सम्मानित किया जाता है एथलीट्स को। तो ये पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला। इंडियन आर्मी के हवाले से क्या बताना चाहूँगा? डेफिनेटली इंडियन आर्मी सपोर्टिव रही है हमारे साथ स्कूल के टाइम से ही, और स्पोर्ट्स में भी बहुत टाइम इन्होंने हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। जैसे गुलमर्ग में इंडियन आर्मी का अपना स्कीइंग की फैसिलिटीज़ है, जिसको लेके हमें हमेशा से ट्रेनिंग के लिए एक अलग सी जगह मिलती थी, जहाँ हम ट्रेनिंग भी कर पाते थे और हमें साथ साथ में उनका वो जो फैसिलिटीज़ उनकी थी वो यूज़ करने को टाइम मिलता था। अब आरिफ, ड्रग्स का रुझान हमारे यूटी में बढ़ रहा है, तो उसके हवाले से आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? डेफिनेटली ड्रग्स के लिए एक ह्यूमन बॉडी में जगह नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को इन ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं जो आपको गलत रास्ता के आपके जान तक के खतरा बढ़ाते हैं, सपोज़ कि लाइफ में हमेशा एक मोटिव होना चाहिए कि कुछ करने के लिए या औरों के लिए रास्ता बनाने के लिए। तो अगर आप कहीं सालों से देखा जा रहा है कि ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट है या वो मेंटल हेल्थ नहीं बढ़ रहा है कश्मीर में, तो मैं डेफिनेटली मेरी मैसेज यही है कि ऐसा कुछ करो कि जो ज़िंदगी में औरों के लिए भी एक रास्ता बनाए और आप खुद भी एक ऐसी पहचान बनाए कि ड्रग्स को लेके आप इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़ बरोज़ ज़िंदगी में, अपने आप को, अपने हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने फैमिली मॉरल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कि लाइफ का ये मीन नहीं होता है। लाइफ का असल मीन होता है कि दुनिया में ऐसी पहचान बनाओ ताकि जनरेशन आपको याद करें। चलो, थैंक यू।